अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी दुम्बे गोश्त, जो बहुत टेस्टी बन के रेडी होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं 1 kg मटन मतलब गोश्त लिया है, इसे अच्छे से मैंने धो ली हूँ इसे। उसके बाद फिर चलिए इसे मैं कुक कर ले रही हूँ। तो यहाँ मैं कुकर में ऐड करूँगी सभी गोश्त को, मैं डाल दूँगी कुकर में। उसके बाद 2 चम्मच मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, यानी 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, तो 2 चम्मच हो गए। इसमें 2 तेज़पत्ते डालूँगी, 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी। उसके बाद 1 गिलास मैं इसमें पानी डाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसे अच्छे से चला दूँगी, देखिए। उसका फिर मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी, ऐसे हाई फ्लेम पे मैं 4 सीटी दे दूंगी। हाई फ्लेम पे मैं इसे 4 सीटी दे दूंगी। 1 चम्मच के करीब मैं इसमें तेल ऐड की हूँ, मैं ज़्यादा तेल नहीं डाली हूँ, 1 चम्मच ही ऐड की हूँ मैं इसमें बड़े चम्मच से। उसका इसमें खड़े मसाले डालूंगी, तो 1 बड़ी इलायची है, 3 हरी इलायची, 2 पिंच दालचीनी है और 4-5 पीस लौंग है, 8-9 दाने काली मिर्च है। तो ये सभी को इसमें डाल देंगे, 1 तेज़पत्ते भी डाल देंगे और 2 बड़े साइज़ के प्याज का मैंने फाइन चॉप कर ली हूँ उसे भी डाल देंगे। इसे अच्छे से चलाते हुए, इसे डीप फ्राई नहीं करना है, बस इसके इसे थोड़ा सा मैं सॉफ्ट करूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर को मैं गोल में कट कर ली हूँ, आप किसी भी शेप में काट लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं इसे कवर कर दूँगी कि ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए जब तक इधर मैं कुछ पेस्ट बना लेते हैं। तो 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैं खसखस ली हूँ, यानी पोस्ता दाना, 6-7 पीस बादाम है, 6-7 पीस ही काजू है, थोड़ा सा मैं केसर ली हूँ उसे भी डाल देंगे। इसमें दही डाल देंगे, 1/2 कटोरी मैं दही ली हूँ। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, इसे एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे, एकदम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। चलिए इधर टमाटर देख ले रहे हैं, इसे अच्छे से चला दी हूँ। अब मैं इसमें पाउडर मसाला ऐड करूँगी, देखिए 1 बड़े चम्मच से लाल मिर्च पाउडर है, टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड कीजिएगा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो ये सभी को इसमें ऐड कर देंगे, फिर इसे अच्छे से चला देंगे इसमें। चलिए 1 चम्मच के करीब भर के मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे रही हूँ, क्योंकि मैं 2 चम्मच गोश्त गलाने में भी डाली थी, थोड़ा सा पानी ऐड कर ले रही हूँ। फिर इसे अच्छे से चला देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ऐसे कवर करके अच्छे से मसाले कुक होने देंगे। चलिए देखिए ये मसाले अच्छे से भून के हो गए हैं, देखिए। अब मैं इसमें जो गोश्त गलाई थी उसे एक बार देख ले रही हूँ। गोश्त गल गए हैं अच्छे से, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, देखिए इसे 1 चम्मच से ऐड करेंगे ताकि नीचे जो गोश्त गलाने में हड्डी रह गए हैं उसे हटा देंगे, फेंक देंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे, कवर कर देंगे ताकि गोश्त अच्छे से भून जाए, देखिए। आज जो मैंने बादाम सब अरे पेस्ट बनाई थी वो सब इसमें डाल देंगे, फिर अच्छे से इसे भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर को भी धो के डाल देंगे। फिर इसे गरम 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, बहुत टेस्टी बना था ये दुम्बे का गोश्त। तो इसे कवर कर दे रहे 2 मिनट के लिए, देखिए
तेल बिल्कुल अलग हो गए हैं जो मैं गोश्त गलाई थी उसका पानी यहाँ बच गया था, तो उसे भी मैं ऐड कर दूँगी। सही से धीरे से ऐड करेंगे ताकि नीचे का हड्डी इसके अंदर जाए ना, नहीं तो खाने में क्या ना मुंह में पड़ते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए अब वो किस हिसाब का ग्रेवी लगाना है आप अपने हिसाब से लगाइएगा, तो मैं इसी तरह से थोड़ा सा ग्रेवी ठीक लगाऊंगी। तो चलिए कोयले का इसमें धुआं दे दे रहे हैं, थोड़ा सा इसमें बटर डाल देंगे, ऐसे जल्दी से कवर कर देंगे। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दी थी, तो चलिए देखिए अब मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। मेरा दुम्बा गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत टेस्टी बना था ये गोश्त। तो आप भी इसी तरह से मटन में भी बना सकती हैं, बहुत टेस्टी लगा था। बटर नान के साथ इसे खाइए, बहुत यम्मी लगेगा। तो प्लीज़ कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।